सही है, कैसी घास होती है? ये जो है न्यूट्रीफियस घास होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड में जो घास पाई जाती है वो न्यूट्रीफियस होगी। अगर न्यूट्रीफियस घास होगी तो क्या होगा, सामान्यतः यहाँ पेड़ नहीं देखे जाते हैं, तो सैकड़ों किलोमीटर तक ऐसे घास पर पाई जाएगी। तो जब घास पाई जाएगी तो क्या होगा, पशुपालन होगा। पशुपालन कैसे होगा, वाणिज्यिक पशुपालन होगा, कमर्शियल। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, बहुत बड़े बड़े फार्म बना दिए जाएंगे, उसमें 10-10 हजार की संख्या में पशु क्या होंगे, पाल दिए जाएंगे। उनके लिए क्या होगा, जब देखो एक तो चराई के लिए छोड़ दिया जाता है कि चलो बहुत क्षेत्र है अपना यूज करो उसको, दूसरा क्या होता है, इन घासों को मशीनों से काटा जाता है और काट कर क्या किया जाता है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, वाणिज्यिक स्तर पर पशुपालन होगा। अगर पशुपालन होगा तो आप देखेंगे डेयरी इंडस्ट्री का विकास इस क्षेत्र में हो सकता है। आप देखेंगे ये क्षेत्र क्या होंगे, मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास यहाँ हो सकता है, मीट इंडस्ट्री का विकास हो सकता है, चमड़े का काम जो होता है, ऊन का है, बात नहीं। तो ये क्षेत्र क्या होंगे, मांस के एक्सपोर्टर हो जाएंगे, ऊन के एक्सपोर्टर हो जाएंगे। और क्या होगा, यहाँ जहाँ पर पशुपालन नहीं होता है वहां पर क्या होगा, गेहूं की खेती होगी।